लास्ट टाइम सोलर सेल किया था, सोलर सेल के अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि जब सोलर सेल बनता है तो उसमें पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं, वो पीएन जंक्शन के अंदर हम सिलिकॉन 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 के एटम्स क्यों लेते हैं, सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन एटम क्यों यूज़ किया जाता है, या गैलियम आर्साइड यानी कि GaAs क्यों यूज़ किया जाता है, ये दो एटम्स से सोलर सेल क्यों बनाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम जो सन से रेडिएशंस आती हैं, सन से लाइट आती है, उसमें फोटोन्स होते हैं, उन फोटोन्स को अगर हम स्टडी करें तो वो सारे फोटोन्स एक एनर्जी के नहीं होते, उन फोटोन्स बहुत सारे फोटोन्स गिरते हैं, किसी की एनर्जी बहुत कम होती है 0.5 होती है, किसी की 0.8 होती है, किसी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किसी की 1.5 2 3 4 5, पर ज़्यादातर फोटोन्स जो गिरते हैं उनकी एनर्जी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में लाया करती है, तो लाखों फोटोन में से कुछ बहुत ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ फोटोन्स की एनर्जी 1 और 2 के बीच में लाया करती है। और सिलिकॉन और ये जो एलिमेंट है इसके एटम को तोड़ने के लिए बैंड गैप भी 1.5 के आसपास ही रहता है, इसलिए हम एटम ही वो यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादातर फोटोन्स की एनर्जी उनके साथ मैच करे और कम से कम एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के ऊपर जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, नेगेटिव एंड पोटेंशियल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कहने का मतलब कि एटम ही वो यूज़ करना है जो कि जिससे कि जिसको फोटोन्स क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके उसमें से, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक,